हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पोइम करने जा रहे हैं अपने इंग्लिश की बुक की। पोइम नंबर 4th है ये, और उस पोइम का नाम है उपगुप्त। रबींद्रनाथ टैगोर ने यह पोइम लिखी है। रबींद्रनाथ टैगोर वही शख्स थे जिन्होंने हमारे देश का नेशनल एंथम जनगण मन की भी रचना की है। तो इस पोइम में हमें ये बताया हुआ है कि महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे। वो एक योगी थे जिनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त के साथ ऐसी क्या घटना हुई जिसकी वजह से इंसानियत को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग पोइम को हम स्टार्ट करते हैं। उपगुप्त द डिसिपल ऑफ बुद्ध ले स्लीप इन द डस्ट बाय द सिटी वॉल ऑफ मथुरा। मथुरा शहर की दीवार के पास धरती पर उपगुप्त, जो कि महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, वो सोए हुए थे। वो आंखें बंद कर ईश्वर के ध्यान में लेटे हुए थे। लैम्प्स वर ऑल आउट, डोर्स वर ऑल शट, एंड स्टार्स वर ऑल हिडन बाय द मर्की स्काई ऑफ अगस्त। अगस्त महीने की ये बात चल रही है। अगस्त के महीने का आकाश बिल्कुल साफ था, तारे छिपे हुए थे, तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। लोगों के घर के दिए बुझ चुके थे, दरवाजे बंद थे। Horse feet were those tinkling with anklets, touching his breast of a sudden. अब राइटर ये पूछ रहा है कि किस औरत के पैरों की आवाज़ आई जिसने पायलें डाली हुई थी, और उस औरत ने आकर उपगुप्त को जगाने की कोशिश की। उस औरत ने उपगुप्त की छाती पर अपने पांव रखे। He woke up startled, and a light from a woman's lamp fell on his forgiving eyes. अचानक उपगुप्त चौंक उठे, वो जाग गए। वोकअप का मतलब है जागना, स्टार्टल्ड का मतलब है हैरान होना। हैरानी से वो जागे और उस औरत के हाथ में उन्होंने दिया देखा जिससे प्रकाश निकल रहा था। योगी ने उस औरत को अपनी क्षमाशील आंखों से माफ कर दिया। फॉरगिविंग का मतलब है माफी देने वाली, आइज मतलब आंखें। इट वॉज द डांसिंग गर्ल स्टार्ड विद ज्वेल्स, वेयरिंग ए पेल ब्लू मेंटल ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ। ये एक नृत्यांगना थी, यानी ये एक नाचने वाली लड़की थी, आभूषणों से या गहनों से भरी हुई थी। उसने गहरे पीले और नीले रंग का दुपट्टा डाला हुआ था, मेंटल यानी दुपट्टा, और वो जवानी की शराब से भरी पड़ी थी। यहाँ शराब सचमुच वाली शराब नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि उसकी सुंदरता बहुत अद्भुत थी। She lowered her lamp and saw young face, austerely beautiful. उसने अपनी लैंप जो थी, अपना दिया जो था, वो नीचे की तरफ किया। उसने देखा कि जवान तपस्वी का तपस्या वाला चेहरा बड़ा सुंदर चमक रहा था। Forgive me, young ascetic, said the woman. Graciously come to my house. The dusty earth is not a fit bed for you. हे जवान तपस्वी, आप मुझे माफ करें, मैंने आपकी तपस्या को तोड़ा। आप किसी दिन ज़रूर मेरे घर पधारें, आपका स्वागत है मेरे घर में। ये धरती आपके लिए अच्छा बिस्तर नहीं हो सकता सोने के लिए, आप मेरे घर आकर पलंग पर ठहरें। द यंग एस्थेटिक आंसर्ड, वूमेन गो ऑन योर वे, व्हेन द टाइम इज़ राइप आई विल कम टू यू। तो उस जवान तपस्वी यानी उपगुप्त, जो कि एक योगी थे, उन्होंने जवाब दिया, हे औरत, अपने रास्ते जाओ और मेरी तपस्या ना तोड़ो, जब सही समय आएगा मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। अचानक जो काली रात थी वो तूफान और बिजली की गड़गड़ाहट से चमकने लगी। द स्टॉर्म ग्राउल्ड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई एंड द वूमेन ट्रेम्बल्ड इन फेयर ऑफ सम अननोन डेंजर। तूफान आकाश के हर कोने पर दिखने लगा और वो औरत कांपने लगी। ट्रेम्बल्ड होता है कांपना, उसे डर पड़ गया कि कुछ अनहोनी होने वाली है। द ब्रांचिस ऑफ द वे साइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम, गे नोट्स ऑफ ए फ्लूट केम फ्लोटिंग इन द वार्म स्प्रिंग एयर फ्रॉम अफार। कुछ महीने बीत गए, जो आसपास के वृक्ष थे उनमें फूल और फल लग गए और लोगों ने बांसुरियां बजानी शुरू कर दी, क्योंकि बसंत का मौसम आ गया था, बसंत का त्यौहार आ गया था। यानी पहले अगस्त महीने की बात हो रही थी, अब फरवरी महीने की बात हो रही है जिसमें बसंत का त्यौहार आ गया था। द सिटीजन्स हैड गोन टू द वुड्स फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। सारे लोग
उस रात को बसंत का त्योहार मनाने के लिए जंगलों की तरफ गए थे, शहर से बाहर गए थे। फ्रॉम द मिड स्काई गेज द फुल मून ऑन द शेडोज ऑफ द साइलेंट टाउन। जो आकाश था वो पूरे चंद्रमा से चमक रहा था और हर तरफ बिल्कुल सन्नाहट छाई हुई थी। कोई कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि शहर बिल्कुल सुनसान पड़ गया था। सारे लोग शहर से बाहर त्योहार मना रहे थे बसंत का। द यंग एसेटिक वॉज वॉकिंग इन द लोनली स्ट्रीट वाइल ओवर हेड द लव सिक कॉइल्स अटर्ड फ्रॉम द मैंगो ब्रांचेस देयर स्लीपलेस प्लेंट। जो जवान तपस्वी था वो एक अकेली गली से गुजर रहा था। जो प्यार से सुरीले गीत गाने वाली कोयलें हैं वो आम के वृक्ष की टहनियों के ऊपर अपने गीत गुनगुना रही थी। उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी और उनके गीत सुनकर उपगुप्त भी जो था वो बिना नींद के हो चुका था। उपगुप्त पास थ्रू द सिटी गेट्स एंड स्टूड एट द बेस ऑफ द रैम्पट। उपगुप्त गया शहर के दरवाजों के पास, एक किले की दीवार के पास आकर वो खड़ा हो गया। और वास्ट एट अ वूमेन लाइंग एट हिज फीट इन द शेडो ऑफ द मैंगो ग्रोव। आम के वृक्षों के बगीचे के पास एक औरत उसके चरणों में आकर गिर गई और उन वृक्षों की परछाई उस औरत के शरीर पर पड़ रही थी। स्ट्रक विद ब्लैक पेस्टिलेंस हर बॉडी स्पॉटेड विद सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसका जो शरीर था वो इन्फेक्शन से भरा पड़ा था, जहरीले दागों से भरा पड़ा था और उसे स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की बीमारी निकल आई थी। वो औरत अपने दर्द और जख्मों से बड़ा तड़फ रही थी। शी हैड बीन हरेडली रिमूव फ्रॉम द टाउन टू अवॉइड अर पॉइजनस कंटेजियन। उस औरत को उसके शहर से निकाल दिया गया था ताकि वो अपने जख्मों का जहर किसी और को ना फैलाए। लोगों ने उसे शहर से निकाल दिया था, वो दर दर भटक रही थी। द एसेटिक सैट बाय हर साइड टुक हर हेड ऑन हिज नीज। जवान योगी उसके तरफ आकर बैठा, उसके हेड को उसके सिर को उसने अपने घुटनों पर रखा। एंड मॉइस्चर्ड हर लिप्स विद वाटर एंड स्मेयर्ड हर बॉडी विद सैंडल बाम। उसने उसके होठों में पानी डाला, उसके होठों को गीला किया, उसके पूरे शरीर पर चंदन का लेप किया ताकि उसके जख्मों को ठंडक मिले। हु आर यू मर्सीफुल वन आस्क द वूमेन। उस औरत ने पूछा, हे दयालु पुरुष आप कौन हो। द टाइम एट लास्ट हैज कम टू विजिट यू एंड आई एम हेयर रिप्लाइड द यंग एसेटिक। दयालु पुरुष यानी उपगुप्त। उपगुप्त ने जवाब दिया कि हे औरत मैं वही हूँ जिसने तुम्हें वचन दिया था कि मैं सही समय आने पर तुम्हारे पास आऊँगा, और वो सही समय आ चुका है और आज मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ तुम्हारी सेवा में। इस कहानी से शिक्षा हमें क्या मिली? ये कहानी एक पोइम के फॉर्मेट में दी गई है। शिक्षा हमें दो मिली है। पहली शिक्षा ये कि एक कंप्लीट मैन वो मैन होता है जो किसी भी दुनियावी सुंदरता के झांसे में ना आए, मटीरियलिस्टिक ब्यूटी की तरफ वो अट्रैक्टेड ना हो। और दूसरी शिक्षा ये है कि ज़रूरत पड़ने पर हमें हर इंसान की सेवा करनी चाहिए जो हमसे सेवा की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने जो मैंने वर्ड समझाए उनको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के तौर पर अपनी कॉपी पर नोट करना है और इस पोइम का सेंट्रल आइडिया स्टैंजर्स वगैरह नोट करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।